हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th कृतिका बुक का चैप्टर फर्स्ट है हमारा माता कहाँ चल, और इसके राइटर हैं हमारे शिव पूजन सहाय जी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दी गई हैं टू लाइंस, पहेली जैसी हैं जो कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ पर लड़कों का संग होता है वहाँ तो हुड़दंग होता है, सितानियाँ होती हैं, मौज मस्ती होती है, और जहाँ हम बूढ़ों के संग रहना शुरू कर देते हैं वहाँ पर खर्चे का तंग आ जाता है। तो अब स्टोरी की तरफ चलते हैं फटाफट से। हमारे पिता तड़ाके उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लगे थे, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और नहला धुलाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, मतलब जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमने में हम खास बम बोले बन जाते थे। तो यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है उसमें कहा गया है कि एक पिता और एक पुत्र के बीच संबंध है। तो जो पिता होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर क्या करते हैं, पूजा करने बैठ जाते हैं, साथ ही अपने बेटे को भी उठाते हैं और निराल धुलाकर पूजा करने के लिए बिठा देते हैं। जो उनका बेटा था उसका लगाव अपनी माता के प्रति कम था, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, केवल दूध पीने के लिए ही अपनी माता के पास जाता था। तो जब वो पूजा करते थे तो उनका जो पुत्र था उसकी आंखें या फिर जिद करने लगता था कि मेरे माथे पर भी तीन लाइनें यानी भभूत लगा दीजिए। तो उसके पिताजी थे वो कभी कभी तो जिद मतलब डांट कर लगा देते थे लाइनों को, भभूत लगा देते उसके माथे पर, और कभी झुंझला जाते और कभी प्यार से भी लगा देते थे, क्योंकि हर टाइम हमारा बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता है। और जो उनका पुत्र था उसके माथे पे त्रिपुंड, मतलब वो तीन लाइनें इतनी सुंदर लगती थी, ऐसा लगता था जैसे बम भोले यानी भोलेनाथ का छोटा रूप आ गया है, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे और वो बहुत सुंदर लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो जो माँ पिता और बेटे का जो संबंध है उसमें जो पिताजी हैं वो बेटे को भोलानाथ कहकर पुकार रहे हैं, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो जो भोलानाथ जी हैं जिनका नाम तारकेश्वर नाथ है, ठीक है, उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते हैं क्योंकि वो भोले जैसे लगते हैं वो तीन लाइनें लगाने के बाद, मतलब भभूत लगाने के बाद, तो वो उन्हें भोलानाथ कहने लगते हैं। तो उनके पिता को वो पिताजी कहकर बुलाते हैं और अपनी माता को मैया कहकर बुलाया करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। मतलब जब पिताजी उनके थे वो रामायण पढ़ रहे होते थे तो भोलानाथ क्या करते थे, अपने आप को आईने में देख देख कर शर्मा रहे होते थे, और जब उनके पिताजी की नज़र उन पर पड़ती तो भोलानाथ शर्मा जाते और आईना नीचे रख देते थे। और ये सब देखकर कि उनका बेटा कैसी हरकतें कर रहा है तो उनके पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे। चौतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। तो जो हमारे चौतरे मतलब गेट के बाहर जो जगह होती है ना उसको इन्होंने बताया है, उसी का एक कोना इनके नाटक का घर बन जाया करता था। और जिस छोटी सी चौकी यानी पटली पर बैठकर वो नहाया करते थे, टेबल टाइप छोटी सी होती है ना नहाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ये लोग क्या करते थे, रंगमंच बन जाता था। उसी को ले आते उठाकर उसी को रंगमंच बना देते। उसी पर सरकड़े के खम्भों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़े के बतासे आदि मिठाई सजाई जाती। तो वो क्या करते थे, ओरिजिनल तो कुछ होता नहीं था, तो पूरी कचौरियाँ बनाते थे पत्तों की, ठीक है, और मीठी गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे, और जो उसके टुकड़े होते हैं ना मटके के फूटे हुए टुकड़े उनके बतासे बना लिया करते थे। ठीकरों के बरखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बना लिया करते थे। जो जस्ते के टुकड़े होते हैं ना उसको पैसे के रूप में यूज़ करते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार
गोरखपुरियां पैसे खरीद लेते थे। क्या था, वही लोग खरीदने वाले, जैसे चार लोगों ने बेचा, चार लोगों ने खरीद लिया। कभी कभी उनके बाबूजी भी इस चीज़ में इंटरफेयर कर जाते और दो चार रुपए देकर ये चीज़ें खरीद लिया करते थे। थोड़ी देर में ही मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, मतलब मिठाई की दुकान उन्होंने उस टेबल पर लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस मिठाई की दुकान को हटाकर घरौंदा बनाते। भूल की मेड़ दीवार बनती और तिनके का छप्पर, तानू के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों की केवाड़े, घंटे घड़े के मुहाड़े का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती। तो जो घर के ही सारे सामान होते हैं ना, मतलब माचिस से कुछ बना लिया और जो तिनके थे उनसे छप्पर छा लिया, माचिस के तीलियों से किवाड़े बना ली और जो मिट्टी का दिया होता है उसको कढ़ाई बना लिया, ऐसी चीज़ों से वो अपना घरौंदा मतलब घर सजाते। ठीक है, पानी की घी, धूल में पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते, मतलब खाना तैयार करते थे। पानी के घी, पानी को घी बनाकर धूल के पिसान और बालू की चीनी से, बालू मतलब लोहे के टुकड़ों से चीनी बनाकर हम जौनार मतलब खाना तैयार करते थे। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती। जब पंगत बैठ जाती तब बाबू जी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते, मतलब अब वो खेल तो रहे ही थे तो उनके साथ के लोग जौनार मतलब पंगत बैठ जाती थी खाने के लिए, लोग एक साथ बैठ जाते थे तो उनके पिताजी क्या करते, खेल को और रंगीन बनाने के लिए वो भी साथ में बैठ जाते, तो एक कोने में जाकर हंसकर वो भी बैठ जाया करते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चले जाते। जैसे ही पिताजी खाना खाने के लिए बैठते, मतलब लकड़ी का जो उनका घरौंदा था, खाना था, उस सबको एंजॉय करने के लिए पिताजी बैठते, वैसे ही वो लोग क्या करते, खेल को बिगाड़कर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो उनके पिताजी थे, जब वो खेल बिगाड़ कर भागने लगते तो उनके पिताजी कहते थे, अरे फिर कब होगा भोज भोलानाथ, बता के तो जाओ। तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाता, मतलब वो क्या करते थे, अब उन्होंने घरौंदे का खेल खेल लिया और चौकी लगा ली मिठाई की, अब उन्होंने क्या किया, अब वो बारात निकालेंगे। तो उन्होंने कनस्तर का तबूरा बजाते, कनस्तर मतलब एक मटका जैसा ले लिया, उसको बजाते हुए अमोल को घिसकर सहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती। चूहेदानी क्या होती है, चूहे पकड़ने वाली जो डिब्बा होता है ना, चूहे पकड़ने वाला, उसको पालकी बनाते थे, पालकी बनाकर यूज करते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बकरे मतलब उनके घर में एक बकरा था, उस पर समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चौतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती। चौतरे मतलब बाहर के चौतरे पर, वो एक कोने से दूसरे कोने पर बारात ले जाया करते थे। पहले के खेल भी अजीब हुआ करते थे, तो दूसरे कोने पर बारात ले जाते थे। वह काठ की पटरियों से घिरे, गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन की कुलैया का कलसा रखा रहता था, मतलब कलसा जो मटका होता है ना वो रखा रहता था, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। तो जहां पर कलसा था वहीं पर बारात जाती और फिर से वापस आ जाती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहोर डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उठाकर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो वो उन्होंने पालकी बनाई थी ना चूहे रानी को, उसी पर लाल कपड़ा डालकर वो लोग ले आया करते थे, और जैसे ही उनके बाबूजी उस पर से लाल कपड़ा हटाते वैसे ही वो सब लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते थे, भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते और राय जमती की खेती की जाए, बस चौतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुएं की बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गर्डी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चौतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेक हल जुआए और बड़ी मेहनत से खेत जोया बोता जाता, बोया जाता और पटाया जाता। फसल तैयार होते ही न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते हैं, कटते समय गाते थे।
अब इन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद फिर से लड़के इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर से जुगाड़ भिड़ाई कि अब हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो चौतरे के एक कोने को वो भाई खेती बना लेते और कंकड़ पत्थर को हटाकर वो कहते हमने खेत जोत लिया है, और एक कोने को कुआं बना देते, उससे पानी लगाते। और सब कुछ करने के बाद दो लड़के थे वो बैल बनकर खेत को जोतने लगते थे। अब ये सब हो गया, ठीक है, कंकड़ पत्थर उन्होंने बीन लिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमारी खेती तैयार हो गई, और तुरंत ही खेती बोते और तुरंत ही खेती को काट कर ले आते। तो काटते टाइम एक गाना गाते, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, मतलब ऊंचे नीचे में कुछ बोया है हमने और जो उपजेगा वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौन डालते थे, कसोर का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए में तराजू पर तौलकर रस्सी तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते इस साल की खेती कैसी हुई भोलानाथ। तो अब वो क्या करते थे, बीज निकालने के लिए, खेती में क्या होता है गेहूं हो या धान हो सबका बीज निकालना होता है, तो वो उसके लिए क्या तरीका यूज़ करते थे, जमीन पर डाला उन्होंने और उसको रौन दिया, ठीक है, उससे उसका बीज मिल गया उन्हें। और तोलने के लिए क्या करते थे, दिए के, मिट्टी के दिए का यूज़ करते थे, उसका तराजू बनाकर उसी से तौल लिया करते थे, ठीक है। तो उनके इसी बीच उनके पिताजी आ जाते और पिताजी भोलानाथ से पूछते अरे भोलानाथ इस बार खेती कैसी हुई है, वो भी खेल में मजा लेने के लिए कहने लगते इस बार खेती कैसी हुई है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। अब वो लोग फिर से जैसे ही पिताजी आए उन्होंने ज्यों त्यों खेत खलिहान छोड़ा और फिर से भाग गया। कैसी मौज की खेती थी, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर ठिटक कर हम लोग तमाशे को देख लेते। हम कभी कभी हम लोग दरारी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते चलो भाइयों दरारी सतु पीसना की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते, मतलब कोई बाजार जा रहा है तब चिल्लाने लगे, कोई पालकी में जा रहा है तब चिल्लाने लगे, ये सारी हरकतें वो करने लगते थे, ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोती के साथ बांधकर रख देते थे। मतलब पूजा पाठ कर लिया उन्होंने, फिर वो एक डायरी जैसी लेते उस पर बार बार राम राम लिखते थे, और 1000 बार राम लिखने के बाद क्या करते थे, अपनी पोथी यानी रामायण के साथ ही उसको बांध कर रख दिया करते थे। उसके बाद वो 500 कागज के टुकड़े लेते थे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते उन गोलियों को गंगा जी की ओर लेकर चल देते। मतलब 500 कागज के टुकड़े लेते उन पर राम नाम लिखते और उन राम नाम लिखे हुए टुकड़ों में आटे की गोलियां लपेटकर गंगा जी की ओर चल दिया करते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। अब ये स्टोरी कौन सुना रहा है, भोलानाथ जी सुना रहे हैं, तो वो खुद के लिए कह रहे हैं कि हम उस टाइम भी जब वो गंगा जी पर जा रहे होते तो हम उनके कंधे पर सवार रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब वह बीच के रास्ते में झुके हुए पेड़ की डाल पर हमें बिठाकर झूला खिलाते। तो जो भोलानाथ जी हैं वो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे हुए मजे ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनके पिताजी जाते हैं मछलियों को गोलियां खिलाते हैं तब भी अपने पिता की उस कंधे पर ही बैठे रहते हैं। जब वो वापस आते हैं तो रास्ते में एक झुकी हुई टहनी का पेड़ पड़ता है, उस पर उसे मतलब भोलानाथ जी को बिठा कर वो झूला खिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। कभी कभी बाबूजी भी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब उनके बाबूजी हैं वो क्या करते हैं, भोलानाथ जी के साथ कुश्ती भी करते थे और एकदम मतलब गिर जाते थे बार बार जान पूछ कर, ताकि भोलानाथ जी हैं उनको ये लगे कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तो उनके बल को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा करते थे। हम उनको पछाड़ देते यह उतना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। मतलब उनके पिताजी गिर जाते और वो उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब वह हमारी बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते।
बायां का खट्टा चुम्मा देकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। वह अपनी दाढ़ी व मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोच लेते। इस पर बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। तो उनके पिताजी क्या करते थे कि जान पूछ कर कुश्ती लड़ते टाइम गिर जाते थे। फिर जो भोलानाथ जी थे वो उनकी मूछें बार बार उखाड़ने लगते थे, हंसने लगते थे। तो उनके पिताजी कहते थे अब हमें चुम्मा मतलब किस चाहिए। तो वो उनको एक तरफ दाहिना गाल एक तरफ बायां गाल दोनों दे देते और खट्टा मीठा चुम्मा कहकर ले लेते थे। फिर उसके बाद क्या था, उनकी जो दाढ़ी खींच फिर से जो भोलानाथ थे वो चिढ़ जाते थे और बार उनकी दाढ़ी फिर से खींचने लगते। फिर उनके पिताजी झूठ मूठ का रोना रो देते थे जिससे भोलानाथ जी हंसने लगते थे और दूर खड़े होकर हंसकर मजे लिया करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। मतलब रसोई को चौका कहा गया है यहाँ पर। तो वो पिताजी के साथ ही आते और अपने पिताजी के साथ ही चौके पर खाना खाने के लिए बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान खिलाते। मतलब दाल चावल को भात मतलब चावल को कहा गया है यहाँ पर। फूल का कटोरा मतलब जो येलो कलर का होता है ना, उसे पहले ज़माने में जो बर्तन चलते थे उसको फूल का कटोरे में उनको दाल चावल मिला के खिलाया करते थे। सान कर मतलब मिलाकर, अपने हाथों से ही मिलाकर उन्हें खिलाने लगते थे। जब हम खाकर अफसर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर ही भी समझ लेता है। मतलब क्या था, उनकी जो मैया थी, उनके पिताजी खिला रहे होते थे तो उनकी मैया जी बीच में टोकती थी। जैसे ही वो कहते अब मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा, तो मैया पीछे से जिद करती कि और खाओ, कि तुम्हारे पिताजी हैं वो चार चार कौर मतलब दाने देते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया और चार दाने में तुम्हारा पेट भर जाएगा। और उनकी माँ थी वो अपने पति को मतलब भोलानाथ के पिताजी को डांटते हुए कहती कि आप बच्चे को बड़े बड़े कौर यानी बड़े बड़े टुकड़े क्यों नहीं देते हैं खाने के। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो वो उनके पिताजी से कहती आपको खिलाने का ढंग ही नहीं है, आपको पता है बच्चे को भर के मुंह देना चाहिए ताकि वो उसे ये लगे कि हमने कम खाया है और वो ज़्यादा खा पाए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया के ठौर। मतलब जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में ठौर पाएगा मतलब जगह पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जाने, मतलब मर्द आदमी क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। वो अपने पति से कहती हैं देखो मैं खिलाती हूँ मर्दुए मतलब मर्द या आदमी क्या जाने बच्चे को खिलाना, और महतारी के हाथ से खाने से बच्चे का पेट भी भरता है। मतलब माँ के खाने से बच्चे का पेट भर जाता है, जब माँ खिलाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है। यह कहती वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर जैसे ऐसे खिलाती कि ये ले कौए का ये ले तोते का, तो वो सबके नाम से एक एक कौर खिलाने लगती और कहती जल्दी खा ले वरना ये कौर उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो भोलानाथ जी इस चीज़ को एंटरटेनमेंट होने लगता ना उनका, तो वो इतने फटाफट खाते कि कौए और चिड़ियाँ ना उड़ जाएं, मैं फटाफट से ख़त्म कर दूँ। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। मतलब अब उन्होंने पूजा पाठ कर लिया खाना खा लिया, अब वो पिताजी उनके कहते थे अब जाओ अब खेलो, ठीक है अब वो खेलने के लिए चल देते हैं। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। फिर वो क्या करते थे, उछलने कूदने लगते और रस्सी से बंधा हुआ एक काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा था उसको लेकर नंग धड़ंग मतलब बिना कपड़ों के ही बाहर की ओर चलने लगते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झपटने पर भी वह एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब कुछ बूंदे कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती, हम रोने लगते। तो हम जैसे ही नंग धड़ंग बाहर निकलते वैसे ही मैया हमें पकड़ लेती जबरदस्ती से और पकड़कर हमारे सिर में
चुल्लू भर तेल, मतलब कुछ थोड़ा सा तेल हमारे सिर में डाल देती और इस चीज़ को देखकर कि अब हमें पकड़ लिया तो भोलानाथ जी रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, ठीक है। पर वह हमारे सिर में तेल बोधकर हमें उबट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुतरा टोपी पहना देती। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकाते सिसकाते बाहर आते, मतलब क्या था कि सिसकते बाहर आते थे। जो उनकी मैया थी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लेती थी और काजल का टीका लगा देती थी ताकि उन्हें नज़र ना लगे, और बालों में तेल डालकर चोटी गूंथ देती थी और उनके सिर पर एक टोपी लगा देती थी। ऐसा लगता था जैसे कन्हैया जी स्वयं आ गए हों और उनकी पिताजी की गोद में दे देती थी, क्योंकि इतना करते टाइम जो भोलानाथ जी थे वो बहुत ज़्यादा रो जाते थे और सिसकते रहते थे। तो वो कहती थी लो अब लो इसे खिलाला हो जा के बाहर। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेलों में खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमारे हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। तो जैसे ही हम अपने साथी संगियों को देखते हम तो सिसकना मतलब रोना धोना भूल जाते थे, और जैसे ही देखा खेलने का टाइम है और खेलने के साथी मिल गए, उनने उतरा और बाबूजी की गोद से कूदे और खेलना शुरू कर दिया, ठीक है, और मिलकर तमाशे करने लगते। तो तमाशे में ऐसे वैसे नहीं, हमारे तरह के नाटक, मतलब छोटे मोटे तमाशे नहीं थे, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक नाटकों को खेला करते थे। रहरी रे रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी, तो ये कहकर वो चिढ़ा रहे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा, ढेलों से मारा था। तो पता नहीं, जैसे उस टाइम पुराने ज़माने में एक बूढ़े व्यक्ति की शादी हो रही थी और वो कह रहे थे रहरी रे रहरी पुरान रहरी डोला रे कनिया हमार महरी, तो ये कहकर वो चिढ़ा रहे थे। तो वो बूढ़ा जो दूल्हा था उसने उसे उन लोगों को उन सारे बच्चों को खदेड़ खदेड़ कर डेलों से मारा था। अब इस चीज़ को वो आज तक याद रखे हुए हैं कि क्या हालत हुई थी उनकी उस दिन। तो अब वो कहते हैं ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसे घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं पता नहीं किसने ऐसा जमाई, मतलब अपना जमाई लड़की के लिए अपना दूल्हा ढूंढा था, कि इतने बुरे घोड़े जैसे मुंह का आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, मतलब जब आंधी आती है ना तो आम गिरते हैं, आम के सीजन में आम आंधी आने पर गिरते हैं। तो ये लोग क्या किया करते थे, जैसे ही आंधी आती और आंधी आके जाती जाने की ओर होती, वैसे ये लोग निकल पड़ते थे अपने अपने घरों से दौड़कर और आम चुनकर चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते, मतलब अब वहाँ से वो आम उठाकर खाने लगते थे, मीठे मीठे आम खा लिया करते थे। एक पैसा की लाई बाजार में छिड़ताई, बरखा उधारे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा, हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ में सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी रही और ना थमी। तो एक दिन क्या हुआ, बारिश होने लगी, बाजार गए थे, एक पैसा लेकर नहीं आए थे और ना ही छतरी लेकर आए थे, और उधर से बारिश होने लगी। बारिश से मतलब बचने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों की जड़ से चिपक गए। कैसे चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान से वो अठई चिपक जाती है, मतलब कीड़ा होता है वो चिपक जाता है बिल्कुल चिपका हुआ, वैसे ही वो पेड़ से चिपक गए। पर जो बारिश थी वो रुकी नहीं रही थी, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डरकर भाग चले। जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही बहुत सारे बिच्छू निकल आए, और जैसे वो भोलेनाथ और उनके साथी सब डर गए और डरकर भागकर चले गए। हम लोगों ने बैजू बड़ा ठीठा था, बैजू बड़ा ढीठ था, संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो बैजू कौन था, उनका साथी था भोलानाथ का, वो लोग भाग रहे थे बिच्छू से डरकर, उसी के बीच में उन्हें मूसन तिवारी जी मिल गए। अब मूसन तिवारी जी को बैजू ने छेड़ दिया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, ये कहा भोलानाथ ने नहीं कहा था, बैजू ने कहा था।
ठीक है। अब वो चिढ़ाकर भाग गया। हम लोगों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही बैजू ने बोला वैसे ही टोली के सारे लोग बोलने लगे, ठीक है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूशन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, मतलब भगाया हम लोगों को। ये बात सुनकर वो चिढ़ गए और हमें भगाया। हम लोगों ने तो बस अपने अपने घरों की ओर आंधी हो चले और बैजू को पकड़ लेने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब मूशन तिवारी जी ने चार लड़के भेजे वारंट, मतलब उस टाइम को उन्होंने गिरफ्तारी वारंट कहा है, वो लेकर भेजे। किसको पकड़ने के लिए? बैजू को पकड़ने के लिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर में पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू ने तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। तो बैजू था वो तो भग गया, ठीक है, पकड़ने उसे भी आए थे और सबके घर पर सिपाही मतलब मूशन तिवारी जी के लोग गए और सबको पकड़ कर लेके आए सारे बच्चों को। अब तिवारी जी ने हमारी खूब खबर ली। अब बैजू तो भाग चुका था। बाबू जी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारा और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप कहाँ होने वाले थे, ठीक है, तड़ाके नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर गया था। वह गुरुजी की चिचोरी करके हम घर ले चले। रास्ते में फिर हमारी साथी का झुंड मिल गया। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। तो उनके पिताजी को जैसे ही पता चला कि गुरुजी के लोग आए हैं और भोलानाथ को लेकर गए हैं, वैसे ही पीछे से उनके पिताजी पहुँच जाते हैं और बातचीत कर उनको ले आते हैं। उस टाइम जो भोलानाथ के बहुत रो रहे होते हैं, उनके पिताजी का पूरा कंधा भिगो देते हैं वो रो रो कर। फिर ये सब होकर वो उनके पिताजी उन्हें गोद में उठाकर घर की तरफ चलते हैं। मई पकड़ी गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खोलम जुआ। मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे वो फिर से मिल जाते हैं नाचते गाते हुए और गाते हैं मई पकाई गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेल जुआ। मई पकई गागर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। मतलब हम पुआ खाकर, माने जो पुए पकाए हैं उनको खाकर खेलेंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर गए। जब तान छुर अलपने लगे, मतलब तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उन्होंने चिड़ियों का झुंड चर रहा था, मतलब जैसे ही उन्होंने देखा मास्टर जी के पास उनके पिताजी लेके आ रहे थे उन्हें और उनके फ्रेंड्स उनके रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, पिताजी से जिद कर अपने पिताजी की गोद से उतर गए और फिर से फ्रेंड्स के साथ खेलने लगे। तो जैसे ही वो उतरे तो उनके फ्रेंड्स थे वो मकई की खेत की तरफ भागे, मकई की खेत की तरफ जाने लगे, है ना। तो उसमें चिड़ियों का एक झुंड चल रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक ही हाथ में ना आई। मतलब उस मकई के खेत में बहुत सारी चिड़ियाँ थी, वो चर रही थी और उनके सारे दोस्त उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए भागने लगे, पर चिड़ियाँ इतनी तेज होती हैं वो कहाँ पकड़ में आने वाली थी। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, तो वो अलग खड़े होकर गा रहे थे और उनके फ्रेंड्स चिड़ियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर लो पेट। मतलब वो कह रहे थे चिड़िया से कि राम जी की चिराई है और राम जी का खेत है, खा लो चिराई, मतलब चिड़िया खाना खा लो और भर लो पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वही कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो जो हमारे पिताजी थे वो झुंड में खड़े होकर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि चिड़िया की चाहे जान चली जाए पर लड़कों को कोई फर्क नहीं है, लड़कों को तो वो केवल खिलौना लग रही है। तो वो कहते हैं, एक डायलॉग मारते हैं कि सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर, मतलब पराया दुख नहीं समझते, लड़के और बंदर दूसरों का दुख नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, चिड़ियाँ पकड़ने का काम करने के बाद वो फिर से गए और एक चूहे के बिल पर जाकर पानी उलीचने लगे, मतलब पानी डालने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना। हम सब थक गए तब एक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई ये औंध गिरा, कोई
अटचिट, किसी का सिर फूटा किसी के दांत टूटे तभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। तो क्या था, ये लोग शैतानी तो कर रहे थे कि चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, वो उसका घर था। तो अब ये सब लोग पानी डालते डालते थक गए और चूहा नहीं निकला, तो क्या था, अब सांप निकल आया। गणेश जी की सवारी थी, चूहा उसको बचाने के लिए सांप निकल आया। अब जैसे ही इन लोगों ने देखा सांप है, दौड़ते पड़ते कांटे लगते हुए सब घर तक जब तक पहुँचे तब तक खून से तरोबदर हो चुके थे। किसी के कांटे लग गए थे, किसी का सिर फूट गया था, किसी का पैर में चोट लगी थी, कुछ इस हालत में पहुँच चुके थे। हम सब सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, मतलब तेजी से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक की ओसरे पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। तो उनके बाबूजी थे, वो बाहर बैठक पर बैठे हुए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हमने उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उनकी गोद में शरण ले ली। तो हालांकि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे, पर उन्होंने जब उनके पिताजी बुला रहे थे वो घबराकर घर में आए, तो वो अपने पिताजी के पास नहीं गए, वो अपनी मैया के पास दौड़ते हुए चले गए। अब मैया के पास जाने के बाद जाकर उनकी गोद में लेट गए, यानी शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, और मतलब चावल बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, हम डर के मारे कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और काम छोड़ बैठी। अधेर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी, कहीं हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछ कर हमें चूम लेती। वह संकट में पड़ गई, मतलब उनकी कांपने वाली हालत देखकर, भोलानाथ जी की कांपने वाली हालत देखकर उनकी मैया थी वो परेशान हो गई। उनने सारा काम का छोड़ा और अपने बेटे के शरीर को मसलने लगी, आंचल से पोंछने लगी और घबरा गई। ठीक है, झटपट हल्दी पीसकर उनके घावों पर थोपी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते पर वे खुलती आती। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी भी दौड़कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति को चदोवे की छाया न छोड़ी। मतलब क्या था, अब उनकी मैया बहुत डर गई थी, फिर वो बार बार पूछ रही थी, पर जो भोलानाथ जी थे वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे डर की वजह से, उनके रोंगटे खड़े थे। फिर उनकी मैया ने क्या किया, हल्दी वल्दी पीसी और उनके लेप लगाया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था क्योंकि भोलानाथ जी की चोट लग गई थी। फिर उनके पिताजी भी बाहर से दौड़ कर आए। उनके पिताजी ने अपनी वाइफ की गोद से भोलानाथ जी को लेना चाहा, पर भोलानाथ जी ने मना कर दिया, मतलब वो अपने पिताजी की गोद में नहीं जाना चाहते थे और अपनी माँ के आंचल को चंदोवो की छाया, मतलब पेड़ की छाया समझकर अपनी माँ के आंचल में रहना चाहते थे, वहाँ वो काफ़ी सेफ महसूस कर रहे थे। तो इस पूरी स्टोरी में यही बताया गया है कि उनके पिताजी के साथ कितना लगाव होने के बाद भी वो अपनी माता के आंचल में सेफ महसूस करते हैं, और जब उन्हें डर लगता है तो वो वहीं रहना चाहते हैं, अपने पिताजी के बुलाने पर भी नहीं आते। तो गाइज ये था माता के आंचल चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।